हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सेंटेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम कुछ लिखने जा रहे होते हैं, कोई एस्से लिखने जा रहे हों, कंपोजिशन लिखने जा रहे हो, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर ही लिखने जा रहे हों, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है सही सेंटेंस को लिखना। कैसे हम सही सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं? जब तक कि हम सही सेंटेंस के बारे में जानते ना हो, सेंटेंस का डेफिनेशन न जानते हों, सेंटेंस क्या होता है न जानते हों, तो हम सेंटेंस सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर आप कहिए कि ग्रुप ऑफ मीनफुल वर्ड्स होता है। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कि कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थयुक्त समूह, शब्दों के अर्थयुक्त समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो जो डेफिनेशन हमारे सामने सेंटेंस का निकल के आया है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ मीनफुल वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। हम कुछ वर्ड्स बोलने जा रहे हैं, क्या अगर जो वो मीनफुल नहीं तो क्या वो सेंटेंस बनाते हैं? स्काई ब्लू इज द, क्या कोई सेंटेंस बना? नो, नहीं बना। और जब इसी सेंटेंस को हम अर्थयुक्त करके एक करेक्ट अरेंजमेंट में डाल करके बोलते हैं, द स्काई इज ब्लू, तो ये क्या है? एक करेक्ट सेंटेंस बना और एक अच्छे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। सेम द सी गुड गर्ल इज ए, क्या कोई सेंटेंस बन रहा? नहीं, नहीं बन रहा। वर्ड्स तो हम तमाम जोड़ रहे हैं बट कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। लेकिन जब इसी वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपने यूज किया है, इन्हीं को जब आपने एक करेक्ट अरेंजमेंट में डाल दिया, एक अर्थयुक्त तरीके से लिख दिया, तो क्या बन गया? करेक्ट सेंटेंस बन गया। जैसे सी इज अ गुड गर्ल। चलिए अब इन्हीं सब चीजों को हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए सेंटेंस, व्हाट द स्पेलिंग ऑफ सेंटेंस? एस ई एन टी ई एन सी ई, सेंटेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं सेंटेंस को? वाक्य। वाक्य सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो मीनिंगफुल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम इसको हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, तो सर्टेनली एक अच्छा सेंटेंस हम नहीं बनाते हैं। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जो मीनिंगफुल है, जो सार्थक है, जिसका हिंदी में सार्थक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स नोन एज सेंटेंस। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, मीनिंगफुल को हाइड कर लेते हैं, हम इसको छुपा लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, स्काई ब्लू इज द, क्या एक सेंटेंस है? ये करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि इसका कोई मीन नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल नहीं है, ये अरेंजमेंट भी सही नहीं है। तो सेंटेंस का अरेंजमेंट और उसका मीनफुल जो होना बहुत जरूरी है सेंटेंस को सही बनाने के लिए, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। अब इसी सेंटेंस को हम करेक्ट लिखते हैं तो क्या करेक्ट क्या निकलता है इसका? द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला। एक हम सेकेंड एग्जाम्पल भी लेते हैं, गुड सी इज अ गर्ल, क्या इसका कोई मीन निकला? नहीं। फिर यहां हम मीन लेस कर दिए हैं, हमारा कोई अरेंजमेंट नहीं है, सब्जेक्ट कहीं है, वर्ब कहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट जब हम लिखते जाते हैं तो हम क्या पाते हैं? सी इज अ गुड गर्ल,
मतलब जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ मीनफुल वर्ड्स होना चाहिए। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर, सेंटेंस वाक्य ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी हिंदी में हम क्या लिखेंगे, शब्दों का अर्थ युक्त समूह, शब्दों का अर्थ युक्त समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस वाक्य ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों का अर्थयुक्त समूह वाक्य कहलाता है। और जब हम एग्जांपल्स देखते हैं, मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स दिया है। फर्स्ट, स्काई ब्लू इज द, सारे वर्ड्स जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए सभी यहाँ मौजूद हैं, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है क्योंकि इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं रखा गया है, इसको मीनफुल नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट जब उसको करेक्ट करके हम लिखते हैं तो क्या बनता है, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। सेकेंड, हम एक और क्वेश्चन लिखे हैं, गुड सी इज अ बर्ड, बट ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका भी मीन नहीं है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, अरेंजमेंट भी सही नहीं है, और जब इसको हम सेकेंडली अरेंजमेंट करके लिखे हैं तो सी इज अ गुड गर्ल, ये एक करेक्ट सेंटेंस है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बेसिस पे आप सेंटेंस को अच्छे से समझ सकते हो, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। नाउ यू कैन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन एज होमवर्क इज हियर। फर्स्ट, व्हाट इज sentence, second make 10 sentences, it's okay।